मथुरा में वृंदावन भी आता है, 84 कोस मंडल को, ब्रज मंडल को मथुरा मंडल कहते हैं। तो विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है कि शत्रुघ्न जो भगवान श्री राम के भाई हैं, उन्होंने 24वें मन्वंतर में, जब वैवस्वत मन्वंतर की अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जब 24वीं चतुर्युगी चल रही थी तो उस समय शत्रुघ्न जी इस मथुरा के राजा थे और उन्होंने लावणासुर का वध किया था। जो ये लावणासुर है ये एक राक्षस था, मधु, उस राक्षस का पुत्र था, मधु राक्षस का। तो विष्णु जी ने मधु राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मधुसूदन, और मधुसूदन का पुत्र था लावणासुर। तो लावणासुर का वध किसने किया? शत्रुघ्न जी ने किया। तो आप अगर मधुवन जाएंगे, अगली बार ले जाएंगे, इस बार तो दो वन ले गए आपको, तो मधुवन के अंदर लावणासुर की गुफा है, उस गुफा में लावणासुर रहता था। और शत्रुघ्न जी का मंदिर है, आपने राम जी के मंदिर देखे होंगे, शत्रुघ्न जी का अकेला मंदिर नहीं देखा होगा, लेकिन मधुवन में श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न मंदिर है, वहीं पर शत्रुघ्न जी ने इसी वृंदावन में आके उस लावणासुर का वध किया। तो मधु राक्षस के कारण इस स्थान का नाम मधुपुरी था, बाद में मथुरापुरी हो गया। और कुछ जगह पुराणों में वर्णन है, एक राजा थे अयु राजा, अयु, उन जो राजा अयु थे, ये राजा सुदुम्न के पुत्र थे और वैवस्वत मन्वंतर की 5वीं साइकिल, अभी कौन सी चल रही है, 28th, 28वीं चतुर्युगी की चल रही है। भगवान राम कौन सी में आए थे? शत्रुघ्न कौन सी में आए थे? 24वीं में। हम बात कर रहे हैं 5वीं मन्वंतर की साइकिल की, उसमें ये राजा अयु हुए जो राजा सुदुम्न के पुत्र थे। और इन्होंने प्रयाग, इनका मेन केंद्र होता जैसे कैपिटल सिटी थी प्रयाग, जिसे प्रज्ञा ज्योतिषपुर कहते थे, तो प्रतिस्थानपुर कहते थे। फिर बाद में राजा सुदुम्न के घर में ही राजा नहुष का जन्म हुआ और राजा नहुष के घर में ही ययाति का जन्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये अयु राजा की संतानें जो थीं, जितने भी ये लोग भी सब मथुरा के राजा हुए, ययाति नहुष सब मथुरा के राजा थे। कुछ लोगों का कहना है वैवस्वत मन्वंतर की 15वीं साइकिल जो थी, 15th साइकिल, उसके अंदर मथुरा के राजा थे राजा मानधाता। अब मैं इन सबके अगर लंबे चरित्र में जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। राजा मानधाता के 50 कन्या थी और सबने शौबरी ऋषि से विवाह किया था, आप बाद में इसकी कथा सुनाएंगे। शौबरी ऋषि ने इसी यमुना के अंदर, जिसमें आज आपने स्नान किया, इस यमुना के जल में बैठकर 60,000 साल तपस्या की थी, 60,000 ईयर्स। और जब उन्होंने देखा दो मछलियां कपिलेशन कर रही हैं, मिल रही हैं, तो उनके मन में आया कि मैं तो खामखा यहाँ दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ पानी के नीचे, ये दुनिया मजे कर रही है, देखो शादी कर रहे हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मन में आया कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। बाहर आए तो मथुरा के राजा 15वीं चतुर्युगी में कौन थे? मानधाता। मानधाता के 50 कन्या थी। तो जब बड़ी दाढ़ी के साथ बोले मुझे आपकी राजकुमारी से विवाह करना है, तो राजा बोले जो आपको पसंद कर ले उससे कर लो। तो राजा ने सोचा था कौन इसे पसंद करेगा, बड़ी दाढ़ी वाले 60,000 साल वाले बूढ़ा आदमी को। लेकिन देखा उन्होंने तपोबल से अपने शरीर को एकदम मॉडल जैसा बना दिया, एकदम सुंदर दिख रहे थे, सुंदर स्वर्ण जैसा चमक निकल रही थी। तुरंत 50 की 50 कन्या बोलती हैं ये है मेरी चॉइस, ये है राइट चॉइस। आगे भी क्या है कुछ आगे भी है। सबने अपनी अपनी राइट चॉइस बोली और 50 के 50 की राइट चॉइस कौन बन गए? शौबरी ऋषि। तो ये मानधाता भी मथुरा के राजा थे। तो अलग अलग शताब्दी अलग अलग मन्वंतरों में आए हैं, हाँ 15th, राम तो 24वीं में है, 15th में 15वीं मन्वंतर के अंदर अभी चल रही है चतुर्युगी 28वीं। 24वीं में शत्रुघ्न आए, 15वीं में मानधाता आए, 5वीं में अयु राजा आए, ये सब के सब राजा मथुरा के राजा हुए। तो मथुरा कोई नया नहीं है कि अरे ये अभी अभी बन गया होगा, कितने साल पुराना होगा मथुरा। तो आप गूगल में जाएंगे डालेंगे आ जाएगा कुछ 1400 समथिंग में, 1500 समथिंग में राजा अकबर आया, ये वो औरंगजेब आया 16th में, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। ये करोड़ों करोड़ों वर्षों से मथुरा है। और इसके पीछे जाएं, आदि वराह पुराण में लिखा है वराह देव ने जब भूमि को अपनी उठाया था, एक सिंह था, वराह देव ने भूमि को उठाया था, तो जिस टिप के ऊपर वरा ने उठाया, जिस टिप के ऊपर, अब पूरी पृथ्वी पर एक मान लो ग्लोब है, उसकी एक टिप होगी ना जिसपे सींग टच होता होगा, वो टिप कौन सी थी? मथुरा।
दैट इज द सेंटर ऑफ द कंप्लीट ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया. कंप्लीट ग्लोब का सेंटर है मथुरा, आदि वराह पुराण में लिखा है. और इसीलिए उस स्थान को हमें जाना था, हम कल रात हो गई जाने भाई, उसे आदि वराह घाट कहते हैं. और हमारा जन्म उसी एंसेस्टर स्थान का है जहाँ आदि वराह घाट है, विश्राम घाट, इधर मथुरा का ही है. तो ये ग्लोब का सेंटर है मथुरा, पूरे विश्व का नहीं, पूरे ग्लोब का, ब्रह्मांड का. तो इस प्रकार बताया गया कि ओल्डेस्ट सिटी एग्जिस्टिंग है. अब मथुरा के बारे में कुछ वर्णन किया गया है, इसकी गुणगान गाया गया है. आदि वराह पुराण में वराह भगवान भूमि देवी को कहते हैं. इन तीनों लोकों में स्वर्ग, भूलोक, गायत्री मंत्र में तीन लोकों का नाम आता है, ओम भू भुव स्व, स्व मतलब स्वर्गलोक, भुव यानी पितृलोक और भू यानी भूलोक. ओम भू भुव स्व, इन तीन लोकों में मथुरा से उत्तम स्थान नहीं है कुछ भी जो भजन और भगवान की कृपा प्रदान करता हो. ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, अगर आपको सच में भक्ति प्रेम की इच्छा है तो केवल एक काम कर लो. क्या? एक काम कर लोगे, आपको भक्ति प्रेम आपके हृदय में फूट फूट के निकलेगा. क्या कर लो एक काम? आपको बस एक काम करना है, मथुरा की रज अपने मस्तक पर लगानी. मथुरा की रज यानी मिट्टी अपने मस्तक. आप जब प्रणाम करते हो तो यहाँ पर कभी कभी इतने फेस वॉश करते डस्ट डस्ट ही लगती है, उसको हटाना नहीं चाहिए. मथुरा की रज है. मुक्ति जो है ना वो पूछती है गोपाल से, मुक्ति पूछे गोपाल सो मेरी मुक्ति कहाँ है. मुक्ति खुद पूछ रही है गोपाल से कि भाई मैं सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कहाँ है. मुक्ति पूछे गोपाल सो मेरी मुक्ति कहाँ है. तो मुक्ति को भगवान कह रहे हैं, व्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए. व्रज रज अगर मुक्ति के भी मस्तक पे लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है. तो सोचो हमारा कुछ क्या नहीं हो सकता है. तो मथुरा की डस्ट जो है ना, लोटस डस्ट, उसको लगाना चाहिए तो वो भक्ति का एक अथाह समुद्र हमारे हृदय में पैदा कर देती है. पद्म पुराण क्या कहती है, अगर कोई व्यक्ति मथुरा में एक दिन, वन डे स्पेंड कर ले और भगवान हरि की कथा श्रवण कर ले तो उस व्यक्ति से ज़्यादा पूरे वैकुंठ में उसके घंटे बजने लगते हैं. अरे पता है, एक व्यक्ति मथुरा गया है, रुक गया है, वो कथा सुन रहा है हरि की, हरि बोल, ऐसे बोलते हैं वैकुंठ में. लोग बोलते हैं अरे 150 लोग आने वाले, तैयारी करो, जगह बनाओ उनकी, ये रुक कर आए अभी मथुरा में. ये पद्म पुराण में लिखा है. घबरा जाते हैं सारे विष्णुदूत, कह रहे अरे बड़ी फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा, 150 लोगों को लाना है, सबके सब मथुरा में रुक के आए हैं, हरि कथा सुनकर आए हैं. तो इस तरह से मथुरा का वर्णन. आदि वराह पुराण कहती है, मथुरा में अगर किसी व्यक्ति ने परिक्रमा लगा ली, ऐसे हम कल लगा रहे थे ब्रह्म लोक में, तो कुछ लोग आधे रास्ते उतर गए, कुछ बस से ही नहीं उतरे क्योंकि उनको मालूम नहीं है. अगर यहाँ एक एक कदम भी आपने इस मथुरा मंडल में चल लिए, परिक्रमा लगा ली, तो कहते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो उस व्यक्ति के शरीर में ये कहे कि प्लीज़ यार रहने दो ना मुझको, है ना. वो कहेगा मैं चल रहा हूँ, सॉरी यू हैव टू गो. तो पाप निकल कर बाहर आ जाएगा, तड़पेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर निकलेगा, तड़पेगा, ख़त्म हो जाएगा. आदमी चलता रहेगा, पाप निकलता रहेगा, तड़पता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा. तो जो वृंदावन से इस मथुरा मंडल की यात्रा से वापस जाएगा उसके पाप हैं, एक भी पाप इस समय आपका नहीं. इसीलिए सबको इतनी आनंद की अनुभूति होती है. फीडबैक क्यों अच्छा आता है, अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ प्रभु जी. ये प्रभु जी का नहीं है, ये मथुरा की महिमा है, मथुरा मंडल की महिमा है. हरि बोल. तो मथुरा के बारे में इतना अद्भुत वर्णन शास्त्र में है. मथुरा को क्रेसेंट कहा गया है. मून, मून कैसा होता है, क्रेसेंट, अर्धचंद्र. तो एक मथुरा ऐसे है, जब आप चलेंगे तो मथुरा ऐसे 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 है, एक साइड पर यमुना जी है और ऐसे मथुरा है ऐसे. तो कहते हैं कोई व्यक्ति अगर मथुरा में अपना शरीर त्याग करता है, भगवान कह रहे हैं वराह भगवान, वो सीधा बिना किसी टोल टैक्स के मेरे पास आता है. कोई नहीं पूछेगा रास्ते में रोक के कहाँ जाना है, पार्किंग लगेगी, टोल टैक्स लगेगा, नो, स्ट्रेट समबडी लीव्स हिज बॉडी इन मथुरा विल कम बैक टू मी डायरेक्टली विदाउट स्टॉपेज. अगर कोई व्यक्ति मथुरा में जाकर जप कर ले तो उसका जप 100 गुना हो जाता है. यानी अगर एक माला दिल्ली में करी तो मथुरा में वो माला 100 माला के बराबर का फल देती है. और अगर कार्तिक के महीने में
मथुरा में जाकर एक माला कर ली तो वो माला 1000 गुना फल देती है। तो आपने कल कितनी माला करी? 16, तो कितनी हो गई? 16000। आज आपने कितनी करी? 16, तो कितनी हो गई? 16000। इन्होंने करी 40, बहुत सारी, तो आपकी हो गई बहुत सारी 1000। अगर कोई व्यक्ति मथुरा के अंदर कोई एक्टिविटी करता है, यानी कि कोई आध्यात्मिक कार्य, जैसे बच्चे का मुंडन, नामकरण, ये संस्कार नदी के किनारे होने चाहिए। तो हमारे दो बेटे हैं ना, ये पुत्र आदि कृष्ण और गौर कृष्ण, आदि कृष्ण का मुंडन वृंदावन के चीर घाट पे हुआ था, बोट के अंदर, जैसे आज हम गए थे तो वहाँ पर उसका बोट में कटिंग करवाई थी हमने। और गौर का मुंडन संस्कार हुआ था मथुरा में बोट से, विश्राम घाट पे, तो दोनों का घाट पर हुआ, वृंदावन मथुरा। तो कहते हैं अगर किसी ने ये एक्टिविटी, एक संस्कार भी मथुरा में किया हो, एक भी संस्कार, विवाह, मुंडन, नामकरण, चूड़ाकर्म, कोई भी संस्कार अगर मथुरा में हुआ है, वो व्यक्ति अगर कहीं पर भी अपने प्राण त्यागता है, भगवान उसे याद रखते हैं कि एक बार इसने मथुरा में संस्कार किया था, और उसको लिबरेशन प्राप्त हो जाती है। दैट इज द ग्लोरीज ऑफ मथुरा। आपको पढ़ना चाहिए, मथुरा महात्म्य के अंदर लिखा है सब। तो ओरिजिनली मथुरा के अंदर जो मंदिर थे उनको औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था 1669 में, 1669 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद में फिर मराठा आए और उन्होंने 1790 में नए मंदिर बनाने प्रारंभ किए। तो जब हम कल जन्मभूमि गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव उसी कारागृह में थे, तो आप लोगों को एहसास हुआ कारागृह का, कि इसमें इतनी बड़े जेल के अंदर कृष्ण पैदा हुए थे। तो भगवान देवकी और वसुदेव के सामने वहीं कारागृह में प्रकट हुए। तो कैसे हुए थे? सबसे पहले भगवान वासुदेव जी के हृदय में आए, हृदय में तो है ही भक्ति, वो हृदय से मन में सदा चिंतन करते थे कृष्ण का, और वासुदेव जी के मन से देवकी के मन में गए, क्योंकि मन से मन का ट्रांसफर होता है। अगर मैं कोई बात आप बोल रहा हूँ अपने मन से, तो वो आपके मन में जा रही है, फिर मन से धीरे धीरे उसका क्रूड फॉर्म हृदय में ट्रांसफॉर्म होता है। तो देवकी के मन से देवकी के हृदय में आए। तो और फिर बाद में जब भगवान ने देखा कि दोनों के हृदय में भगवान भक्ति है, तो देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो इसलिए फिर सभी देवताओं ने आके उसके गर्भ की स्तुति करी कि अरे बड़ा भाग्य है आपका गर्भ, क्योंकि इसके अंदर अब कौन आने वाले हैं? कृष्ण। तो कृष्ण 9 महीने गर्भ में नहीं रहे, गर्भ स्तुति हुई, लेकिन उसमें क्या रही? योग माया की हवा रही, एयर, जिससे लगेगा कि ये प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टिंग मदर है, और दिव्य हो गई है। लेकिन उसमें कौन सी माया है? योग माया की हवा है, क्योंकि कृष्ण किसी गर्भ में आ नहीं सकते ना। तो योग माया की हवा का जब 9वां महीना पूर्ण होने लगता है, तो वहां से हवा निकलती है और इधर कृष्ण प्रकट, लगता है बच्चा डिलीवर हुआ। तो इस प्रकार कृष्ण जब डिलीवर हुए, तो आदि केशव मंदिर जो आपने दर्शन किया, वो जगह थी जहां पर कृष्ण ने विष्णु रूप लेकर खड़े होकर दिखाया और बोले मैं आ गया हूं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न होकर के। तुमने अपने 2 युगों में तपस्या करी, प्रश्नी और सुतपा बन के, अदिति और कश्यप बन के, उसी तपस्या से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूँ। तो वो आदि केशव स्थान वही है जहाँ कृष्ण ने वसुदेव से चर्चा करी है, और कारागृह वो जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो, लेकिन आज जो मंदिर है आदि केशव मंदिर, लोगों का कहना है कि 5000 वर्ष पूर्व वज्रनाभ, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, है ना, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी जब आए इस मंडल में, तो यहाँ पर एक ऋषि की कुटिया दिखी, उनका नाम था शांडल्य ऋषि। तो शांडल्य ऋषि से उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कहा तुम तो कृष्ण के वंशज हो, ढूंढते क्यों नहीं हो? ढूंढो, तुमने तो कृष्ण को देखा होगा, तुम्हारे परदादा थे, देखो उनका, उनकी लीला स्थली खोजो, ढूंढो। तो वज्रनाभ जी ने खोजा और कुछ मुख्य लीला स्थलियाँ खोज कर निकाली, जिसमें 4 शिवलिंग और उसमें 16 विग्रह उन्होंने स्थापना किए। उसमें से एक स्पेशल मंदिर है गोवर्धन पे, का नाम है हरिदेव मंदिर, और ये दूसरा है आदिकेशव। लेकिन दोनों ही विग्रह औरंगजेब के समय में यहाँ से निकाल दिए गए। और दोनों कहाँ हैं? नहीं, जयपुर में नहीं, कानपुर के पास एक जगह है, उसका नाम है रसधान। क्या नाम है? रसधान।
कानपुर के पास एक जगह है रसधान, तो उधर दो विग्रहों को ले जाया गया था। राजस्थान में तो ये हमारे गोस्वामी विग्रह गए, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी करौली चले गए, जयदेव गोस्वामी के राधा माधव ये सब गए, विष्णु चक्र ठाकुर के विनोदी लाल, ये लोकनाथ गोस्वामी ये सब गए, लेकिन जो ओरिजिनल ये वज्रनाभ जी के जो विग्रह थे इन दो विग्रहों को भी ट्रांसफर किया गया आदि केशव और हरिदेव कानपुर के पास। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तब उनको पता चला कि कानपुर में जो विग्रह था आदि केशव वो चोरी हो गया, तो इसका मतलब अभी वो पता ही नहीं कहाँ है जो वज्रनाभ जी ने स्थापना किया। तो जो कल आपने दर्शन किया इसकी स्थापना बाद में करी गई, लेटर ऑन। तो इनको कहा जाता है प्रतिभू विग्रह। एक होता है स्वयंभू विग्रह, जैसे हमारे स्वयंभू मोहन जो स्वयं प्रकट होते हैं, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं, इनका प्रकट करने का कोई कारण नहीं है, इसको कहते हैं स्वयंभू, अपने आप जो प्रकट होता है, और जो दूसरों के द्वारा एनकाउंट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिभू। एक है स्वयंभू और एक है प्रतिभू। तो प्रतिभू को अंग्रेजी में कहते हैं रेप्लिका और स्वयंभू को कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड। तो अगर आप कभी इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सेल्फ मैनिफेस्टेड और ये है रेप्लिका प्रतिभू। तो यहाँ पर जो विग्रह है कौन सा है? प्रतिभू विग्रह है आदि केशव जी। चैतन्य महाप्रभु सन 1515 में आए और उनको किसी ने बताया कि आदि केशव जो ओरिजिनल विग्रह थे वो काले पत्थर के थे। आपने किस रंग के किए दर्शन? इसका पहला ही आंसर मिल गया कि चेंज हो गए। दूसरा, उनकी आंखों में ओरिजिनल जो विग्रह वज्रनाभ ने बनाए थे आंखों में रूबी स्टोन माणिक लगा हुआ था, लाल आंखें थी, रूबी स्टोन लगा हुआ था, काला पत्थर और रूबी स्टोन। तो चेतन महाप्रभु ने काली इतना ही सुना था, चेतन महाप्रभु के हृदय में एक अथा समुद्र प्रेम का प्रकट हो गया और जोर जोर से नृत्य करने लगे, हरिवो हरिवो। भगवान का सुंदर सुंदर स्वरूप सोच करके उनको एक प्रेम, इतना नाचे हमें तो पंडित जी ने निकाल दिया, बोले बहुत मत नाचो तुम निकल जाओ, लेकिन महाप्रभु को निकाल नहीं पाए क्योंकि भगवान स्वयं नाच रहे थे ना, इतने भारी थे, पंडित पकड़ते थे पकड़ नहीं पाते थे, चेतन महाप्रभु की हाइट भी ज़्यादा थी, हमारी हाइट भी नहीं है, चेतन महाप्रभु को खींचते तो निकल नहीं रहे थे। लोग उन्हें बताया एक व्यक्ति है जिसके कारण पूरा मंदिर का प्रांगण जैम पैक हो गया है, वो निकल नहीं रहा है और कीर्तन किया जा रहा है, नाच रहा है, शरीर से पसीना निकल रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, नाचे जा रहा है, हरिवो हरिवो, ऐसा अनुभव कर रहे थे चेतन महाप्रभु। उसी का पिक्चर पीछे मैंने दिखाया था कि महाप्रभु ने ये नृत्य स्थली भी है, महाप्रभु की नृत्य स्थली। तो महाप्रभु के जो बड़ी इच्छा थी और गोस्वामियों की बड़ी इच्छा थी कि श्रीनाथ जी का दर्शन हो। श्रीनाथ जी कहाँ हैं? नाथ द्वारा में, लेकिन ओरिजिनली कहाँ से हैं? गोवर्धन से। गोवर्धन पे एक स्थान है जिसका नाम है श्रीनाथ प्रकट स्थली। तो कभी आप गोवर्धन परिक्रमा में हमारे साथ आएँ, मैसेज को इग्नोर ना करें कि यात्रा जा रही है, तो फिर आप अगर आएंगे तो आपको दिखाएं गोपाल जी की प्रकट स्थली कहाँ से प्रकट हुई। तो चले क्यों गए गोपाल जी, चले क्यों गए वृंदावन से? हमारे गोस्वामी थे माधवेंद्रपुरी, उन्होंने स्वप्न आया कि मैं यहाँ पर गर्मी में तड़प रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न दिया, तो माधवेंद्रपुरी जी से जब खुदाई करी तो अंदर से गोपाल विग्रह निकले और उनको गोवर्धन के ऊपर इंस्टॉल किया। अब चैतन्य महाप्रभु ने नियम दिया कि गोवर्धन की शिला पर पैर नहीं रखना चाहिए, अपराध होता है, इसलिए पहाड़ के ऊपर जितने मंदिर हैं हम लोग जाते नहीं हैं, व्रजवासी जाते हैं पर हम नहीं जा सकते, गौड़ी वैष्णव नहीं जाते। अब कैसे जाएं माधवेंद्रपुरी ऊपर? फिर भी माधवेंद्रपुरी ने इंस्टॉलेशन किया। अब इंस्टॉलेशन हो गया तो एक राजकुमारी थी जो कि नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी के पहले वो आता है ना, कौन सी जगह आती, उदयपुर, उदयपुर की राजकुमारी थी, उसने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ पर चलें और हम आपकी पूजा सेवा करें। तो भगवान इतना रीझ गया उसके प्रेम से, भगवान ने कहा चलूँगा कैसे, चलने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए, कोई रोड पे चलूँगा तो लोग देखेंगे मूर्ति चल रही है अजीब सा लगेगा। तो राजकुमारी ने गोवर्धन से बेसमेंट से एक रास्ता बनाया, आज भी है वो रास्ता सीधा उदयपुर निकलता है, अंदर 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 जाएंगे उदयपुर निकल जाएगा, लेकिन अभी उसमें जाली लगा रखी है, बंद है, बीच में मिट्टी गिर गई होगी, पुरानी बात है 300-400 साल पुरानी। तो राजकुमारी के लिए भगवान चले, अब भगवान से, भगवान ने बोला हम चलेंगे तो क्या क्या खिलाओगी, चलने पर कुछ तो मिलना चाहिए, लोग कहते हैं हमारे घर आओ प्रसाद पर, तो भगवान को किस पर बुलाएं?
तो भगवान बोले देखो हम तुम्हारे राजस्थानी दाल बाटी नहीं खाएंगे, हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमें क्या चाहिए, लड्डू पूड़ी जलेबी कचौड़ी मालपुआ। तो राजकुमारी बोली ठीक है हम हलवाई बुलाते हैं। तो बोले हलवाई का नहीं खाते भगवान, बोले हम पता नहीं क्या नहा के धो के बनाता नहीं बनाता है, हमें वो चाहिए जो स्वच्छ रूप से बनाए। तो उन्होंने अपने वल्लभाचार्य संप्रदाय के भक्तों को बुलाया और भक्त डीटीज के लिए प्रसाद बनाते थे और फिर बोलते थे देखेगा कोई नहीं आगे बढ़ जाओ, मेरे भोग को नहीं देखेगा मेरे चलने को नहीं देखेगा। तो सब चले जाते थे बना के रखकर भोग आगे, फिर कृष्ण आते थे भोग ग्रहण करते थे चलते थे। अब राजकुमारी बोली मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो कि आप तो पीछे हो और हम लोग आगे हैं, भगवान को आगे लीड करना चाहिए तो भगवान पीछे हैं। तो भगवान के लिए लोग बोलते हैं कि भगवान पीछे पीछे क्यों चल रहे थे, आगे आगे क्यों नहीं चल। तो भगवान पीछे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर लगाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो जो गोपी चंदन है, कभी कभी लोग बोलते हैं हमें क्या कृष्ण को लगाना चाहिए, लगा सकते हैं क्योंकि गोपियों की चरण रज क्या, भगवान तो अपने भक्तों की चरण रज लगाने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, कोई पीछे मुड़ के मत देखना ऐसा नियम देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखोगे तो देख लोगे कि मेरे पूरा सर पे तो मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, मुझे अच्छा लगता है भक्त चला उसकी मिट्टी रहे सिर पे, वो चला उठाए भगवान, इसलिए कहते हैं पीछे पलट के मत देखना। कोई इसमें तांत्रिक नियम नहीं है, भक्ति का नियम, प्रेम का नियम। तो भगवान यहाँ से गोपाल जी गए। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनकी इच्छा थी कि गोपाल जी हम भी दर्शन करें, पर उनका नियम ऊपर जाएंगे नहीं। तो गोपाल जी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गोवर्धन से नीचे आए, दो दिन के लिए रुके, तो वो भी स्थलीय है कहाँ चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी से मिले। ये गोपाल जी ऐसे नहीं कि मूर्ति है वो कैसे चलेगी, ये चल रहे फिर रहे हैं यहाँ के सारे चाल, इसको बोलते चलित ठाकुर, चलते फिरते हैं भगवान बातचीत करते हैं। अब रूप गोस्वामी और अन्य गण भी आए यहाँ पर, तो गोपाल जी के बारे में लिखा है गोपाल जी मथुरा में आए, किससे मिलने के लिए आए, सनातन रूप जो थे, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मथुरा में थे तो उन्होंने कहा गोपाल जी आप हमारे लिए एक फेवर करोगे कि हम लोग गोवर्धन तो आ नहीं सकते, हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकते, कृपया आप हमें कहीं दर्शन दोगे। तो भगवान ने स्वप्न में बोला मथुरा मिलते, ये दोस्त को बोलते ना बोले वी विल मीट इन मथुरा। लिखा है मलेच्छा भय हईला, मलेच्छा भय हईला गोपाल मथुरा नगरे, मलेच्छा भय हईला, अपने मलेच्छा जो रूप गोस्वामी सनातन एक मलेच्छ मुसलमान सरकार की नौकरी करते थे उनके लिए मलेच्छ भय आईला गोपाल मथुरा नगरे, एक मास रहिला विथलेश्वर घरे। एक भक्त थे विथलेश्वर, उनके घर में आकर रहेगा। और भगवान को ये भी डर था मलेच्छ कि कहीं औरंगजेब आदि मूर्ति को उखाड़ के ना फेंक दे, क्योंकि भगवान मंगल आरती तो करते हैं श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में, और भगवान की संध्या आरती होती है गोवर्धन पे, रोज चलते हैं भगवान आज भी एवरी डे, हर रोज का नियम है चलने का, कितना लंबा यहाँ से राजस्थान उदयपुर रोज जाना। तो भगवान नाथ द्वारा क्यों चले गए, क्योंकि जब भगवान उदयपुर जा रहे थे रास्ते में आवाज़ आनी बंद हो गई, तो राजकुमारी घबरा गई कि कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं, उसने पलट के देख लिया। तो कृष्ण बोले मैंने तो कहा था तुम पलटो कि मैं वहीं पर मूर्ति बन जाऊँगा। ऐसे साक्षी गोपाल भुवनेश्वर में रुक गए थे, ऐसे ही वो भगवान श्रीनाथ जी उदयपुर की पहले ही नाथ द्वारा में रुक आगे गए नहीं, वरना उदयपुर चले जाते भगवान। तो भगवान अपने नियम के पक्के थे। तो ये जो विथलेश्वर है, भगवान मलेच्छों से घबरा गए औरंगजेब कहीं मेरी मूर्ति तोड़ ना दे, मेरे भक्तों का प्रेम का क्या होगा, तो विथलेश्वर के घर आए। तो विथलेश्वर कौन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं वल्लभ भट्ट, उनके दो पुत्र हैं गोपीनाथ और विथलेश्वर। तो वल्लभ भट्ट के पुत्र विथलेश्वर के घर जो मथुरा में रहते थे उनके घर गोपाल जी एक माह से रहे। सोचो घर पे नौको टक 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 टक, आप गेट खोलो कौन, मैं गोपाल रिंग रहा काले रंग के पत्थर में भवन से खड़े देख रहे अब कह, अरे प्रभु आप करे बुलाएगा नहीं क्या, वेलकम नहीं करेगा, अंदर पानी नहीं मिला, अरे लोग घबरा जाए विग्रह चल रहा है यहाँ पे। तो ये विथलेश्वर थे, ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म जब चैतन्य महाप्रभु आए थे वृंदावन 1515 उसी समय विथलेश्वर का जन्म हुआ 1515 में उसी ईयर। इनके 7 पुत्र हुए आगे, रंगनाथ यदुनाथ घनश्याम गोकुलेश बालकृष्ण गोविंद गिरधारी, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने बाद में। तो यहाँ पर एक वर्णन है कि जब रूप गोसाई आए और उनका मन था मथुरा में दर्शन करने का, तब क्या हुआ,
तबे रूपे को साई सब निज गण लिया एक मास दर्शन कैला मथुराए रहिला। एक महीने रूप गोस्वामी मथुरा में रहे और रोज क्या करते थे, वितलेश्वर के घर पे टक 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 दर्शन करा दो जरा एक बार गोपाल जी। एक महीने संग गोपाल भट्ट दास, अब कौन कौन उनके साथ में थे उनके नाम सुन के ही आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। वितलेश्वर और रूप गोस्वामी के साथ कौन कौन भक्त एक महीने गोपाल जी को मथुरा में दर्शन किए। ऐसी जगह नहीं मथुरा, गोपाल जी गोवर्धन से मथुरा में रहने आए। संग गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ, भूगर्भ गोसाई आर श्री जीव गोसाई, श्री यादव आचार्य आर गोविंद गोसाई, श्री उद्धव दास आर माधव दुई जने, श्री गोपाल दास आर दास नारायणे। इतने सारे भक्त इकट्ठे होके आते थे गोपाल जी के दर्शन। तो उन्होंने बोला कि जब भी तुम आओ तो भक्तों के संग में ही आओ, ये शिक्षा यहाँ पर महाप्रभु ने दिए। कभी अकेले वृंदावन मथुरा का दर्शन करने नहीं आना। कितने भक्तों को लेके आए, अकेले रूप गोस्वामी आ सकते थे। यही सब मुख्य भक्त लाया निज संघे, श्री गोपाल दर्शन कैला बहु रंगे। कई कई प्रकार से गोपाल जी का दर्शन किया गया, अन्य अन्य भोग लगाए गए। तो मथुरा नगरी ऐसी है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर भगवान भी आए हैं। कितनी बार आए भगवान, मैंने आपको बताया आदि वराह पुराण में, वराह भगवान के समय भगवान मथुरा में आए, है ना। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा हमारे एक महाराज जी से कि प्रभु महाराज जी आपने कहा वराह भगवान ने जब पृथ्वी उठाई तो वो टिप जो थी वो मथुरा थी, तो टिप पे उठाई रखी कहाँ, तो किस टिप पर रखी, नीचे भी तो कोई धुरी एक्सेस पे रखी होगी, पृथ्वी घूम रही है तो एक्सेस का पॉइंट वो कहाँ रखी। तो महाराज ने कहा मथुरा। कैसे कैसे, मथुरा तो ऊपर था नीचे कैसे आ गया, क्योंकि ऐसे उठाई मथुरा फिर नीचे मथुरा रखने पे भी मथुरा, ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा जिस स्थान पे रखा वो मथुरा था। कह रहे मथुरा तो ऊपर था ना, यह मथुरा कैसे आ गया। उन्होंने कहा ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मोर एनालिसिस विल गिव यू पैरालिसिस। इतना समझ लो मथुरा दिव्य स्थान है, उत्तर प्रदेश या पृथ्वी का हिस्सा नहीं है वो, तो दिव्य धरातल के जो मथुरा है उसमें उसको रखा था। तो ऐसा होता है। और केशव गौड़िया मठ जो हम कल जा रहे थे, ये बहुत अच्छा स्थान है। वैसे यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं मथुरा में, आदि केशव मंदिर, भूतेश्वर महादेव जो कि स्वयं शिवजी को स्थापना की वज्रनाभ जी ने, तो हर जगह क्षेत्रपाल गेट कीपर होते हैं शिवजी। वृंदावन के कौन है, गोपेश्वर महादेव, है ना। वृंदावन के हो गए गोपेश्वर, गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव, कामावन के कामेश्वर महादेव और मथुरा के भूतेश्वर महादेव। ये हर गेट कीपर, इनकी इजाजत के बिना आपको मथुरा में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है। और मथुरा में आपको पोतरा कुंड आपने देखा था, कितने लोगों ने देखा था, तो कुछ पूछे थे क्या है पोतरा का मतलब होता है पुत्र, तो देवकी और वसुदेव के जो पुत्र जन्म लेते थे और उनको कंस मार देता था, उनके खून के निशान आ जाते थे, उनको धोए का, तो उनको ला करके पुत्र को धोया जाता था सरोवर में, उसका नाम पड़ा पुत्र कुंड, बाद में पड़ा पोतरा कुंड। पुत्र के वस्त्र धोए गए वहाँ। और जब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण को तैयार करके वसुदेव जी के साथ भेज दिया, तो बाकी जिसमें जन्म हुआ प्रसूति गृह के उसमें कृष्ण जहाँ आए कहीं ना कहीं तो प्रकट हुए, तो उन वस्त्रों को भी धोया गया कि कृष्ण यहाँ प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम पुत्र कुंड पोतरा कुंड। और बाद में जब कृष्ण राजा बने तब भी उनके वस्त्रों को उसी कुंड में धोया जाता था, तो वो ट्रांसजेंडल कुंड है जहाँ पर कृष्ण के वस्त्र धोए जाते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, कृष्ण की वॉशिंग मशीन है, बड़ी वॉशिंग मशीन आपकी छोटी। यहाँ पर कंस का किला भी है जिसे कंस टीला कहते हैं। तो प्रभु जी कल पूछे थे मेरे से कि कहाँ मारा था कंस को कृष्ण ने, तो एक टीला है, उस टीले पर चढ़कर जहाँ स्टेज बना हुआ था वो टीला कहलाता है कंस टीला, तो उसका भी एक दर्शन है। फिर यहाँ पर रुक्मणी द्वारकाधीश का मंदिर भी है, यहाँ पर विश्राम घाट भी है जहाँ पर समस्त कोटि देवता ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने गया जो थक गए थे, तो आकर उन्होंने विश्राम किया, बोले चलो थोड़ा रेस्ट किया जाए, तो नाम पड़ गया विश्राम घाट। तो सभी लोग अपनी तीर्थ यात्रा से जो व्रजमंडल की होती है उसका प्रारंभ विश्राम घाट से होता है और अंत भी विश्राम घाट पे, 84 कोस कार्तिक परिक्रमा विश्राम। तो कल हमारा प्लान था बट हो नहीं पाया। और एक है केशव गौड़िया मठ, तो केशव गौड़िया मठ कहाँ से रंग पिक्चर में आया,
क्यों दर्शन करने योग्य है, शिला प्रभुपाद के इस्कॉन के डिवोटीज क्यों जाते हैं वहां पर। शिला प्रभुपाद जी जब झांसी में प्रीचिंग कर रहे थे, जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं झांसी की प्रीचिंग, बहुत कम जानते। इस्कॉन की स्थापना से पहले जो कि विदेश में हुई, शिला प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ जीवन में ही झांसी में एक इंस्टीट्यूट बनाया था, उसका नाम था LOD, लीग ऑफ डिवोटीज। वहां पर प्रभुपाद जी एक मूर्ति की पूजा करते थे गौरंग महाप्रभु की। तो महाप्रभु का जब वो स्थान छीन लिया गया, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, वो स्थान छीन लिया, वहाँ के लोगों ने कहा अरे ये तो हमारे बच्चों को भक्त बना देगा, इसको भगाओ साधु को यहाँ से। तो जब वो स्थान छीन लिया, उनको वापस इलाहाबाद जाना पड़ा अपने परिवार के पास। तो मूर्ति का क्या करें, घर में तो वैसे ही उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं। तो उन्होंने मूर्ति केशव गौड़ीय मठ मथुरा में प्रदान की। आज भी वो मूर्ति स्थापना पूजा है, जिसकी पूजा स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में करी। इसलिए देखने योग्य मंदिरों। और यहाँ पर जो विग्रह है राधा कृष्ण, उनका नाम है राधा विनोद बिहारी। राधा विनोद बिहारी की भी एक लीला है। शिला प्रभुपाद जी वृंदावन आए और वृंदावन में प्रभुपाद जी अपना घर त्याग करके आ गए थे, संन्यास नहीं हुआ था, वानप्रस्थी थे, बीवी बच्चे सुनते नहीं थे, बाहर का खाना खाने लग गए थे, कचौड़ियाँ खाते थे बाहर से हलवाइयों की ला के, फिर बोलते थे भोग लगा के खा रहे हैं, नियम भंग हो रहे थे। प्रभुपाद जी अगेंस्ट थे इडली डोसा के। प्रभुपाद जी बोलते घर में बनाओ जो बनाना है, बाहर का हम कुछ नहीं खाना चाहिए। तो देखा कि उनके घर में उनकी पत्नी बाहर का खाना खिला रही बच्चों को भी और उनको भी, तो उन्होंने तो खाया नहीं, पर घर की स्थिति देखकर उन्होंने कहा बेटर है यथा गृहम तथा वनम, जैसा घर वैसे तो जंगल है, जंगल में भी नहीं मिलता है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, बेटर है जंगल में रहेंगे। तो उन्होंने घर त्याग किया और आकर वृंदावन में एक मंदिर है, उसका नाम है वंशी गोपाल मंदिर, राधा रमन मंदिर के पास में वंशी गोपाल। देखा है आप लोगों ने, दो लोगों ने देखा है। वंशी गोपाल मंदिर में प्रभुपाद जी रहे और उन्होंने लेटर लिखने शुरू किए कि मुझे संन्यास लेना है, मेरे गुरु ने स्वप्न में आके कहा संन्यास लो। तो सबसे पहला लेटर उन्होंने लिखा कलकत्ता के अंदर एक महाराज थे, उनका नाम था भक्ति विलास तीर्थ महाराज। क्या नाम था? भक्ति विलास तीर्थ महाराज। उनका वैसे नाम उनका कुंज बिहारी लाल दास था, तो कुंज बिहारी प्रभु कहते थे, बाद में वो बन गए थे भक्ति विलास तीर्थ महाराज। कलकत्ता के चैतन्य मठ के हेड हुआ करते थे। तो 1959 में प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा, कहा मुझे थोड़ी सी पुस्तकें लिखने के लिए पैसा चाहिए, एक सैफरन वस्त्र चाहिए, मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है और विदेश जाने के लिए कुछ फंड इकट्ठा कर, तो मैं प्रचार करने जाऊँगा, हमारे गुरु की इच्छा आपकी और मेरे दोनों के। तो वहाँ के महाराज जी ने कहा आपका वेलकम है, हमारे यहाँ बहुत सारे खुले कमरे हैं, आप आकर उन कमरे में रहो, ठंडी हवा चलती है, आराम से रहना, संन्यास हम देखेंगे, तुम्हारे आचरण को देखकर दे देंगे। और जहाँ तक पुस्तक की बात रही, तो अभी हमारे पास गीता छापने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग षट संदर्भ छाप रहे हैं। जब हम एसोटेरिक ग्रंथ छाप रहे हैं, हम जनरल ग्रंथ क्यों छापेंगे, गीता भागवत ये तो बहुत सालों से हमारे पास है, अब हम छापेंगे एसोटेरिक गुह्यतम ग्रंथ षट संदर्भ भक्ति तत्व विवेक, उसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा और विदेश जाने के लिए, कहा वो देखेंगे, अगर आपके नाम पर हम बोलेंगे कि भाई ये जाना चाहते हैं, किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम क्या कर सकते, आपकी किस्मत। तो प्रभुपाद जी ने लगा हुआ आइडिया लगाया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने फिर उसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा अगर खुले कमरे में रहना है तो वंशी गोपाल मंदिर में यमुना की हवा आती है ज़्यादा अच्छा है, पैसे तो वहाँ मिल नहीं रहे, यहाँ पे कम से कम वृंदावन में कोई भक्त आएंगे, मैं प्रयास करूँगा तो क्या पता कोई मुझे थोड़ा सा चंदा दे दे जिससे मैं विदेश जाऊँ और गीता छाप सकूँ। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी कई सारी प्रॉब्लम में थे, तब उन्होंने दूसरी अप्रोच करी। केशव गौड़ीय मठ मथुरा के जो लीडर थे महाराज, उनका नाम था केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज, इसलिए उसका नाम है केशव गौड़ीय मठ, क्योंकि उसके महाराज थे केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज, वो उनको जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है और भक्ति सिद्धांत महाराज मेरे गुरुदेव चाहते थे, तुम आओ, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे सन्यासी नकली हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर टेंपल खोल के बैठे हैं धन कमाने की अभिलाषा से, घर चलाएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनके सिर पे झाड़ू घुमाएंगे, उनसे पैसा लेंगे 10-10 रुपये, चढ़ाओ चढ़ाओ राधा रानी के चरण चिन्ह लाओ भैया लाओ, इसके लिए लोग साधु बनेंगे, इसलिए मुझे एक ऐसे साधु की जरूरत है सच्चा प्रचार कर, इसलिए तुम्हें ज़रूर संन्यास लेना चाहिए।
और उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि संन्यास लेने के बाद ही सच्चा प्रचार शुरू होता है, क्योंकि लोगों की शरणागति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। ग्रस्त व्यक्ति पे लोग ज़्यादा शरणागत नहीं हो पाते हैं, लेकिन सन्यासी पे लोग ज़्यादा शरणागत हो, जबकि तत्व दोनों समान दे रहे होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सन्यास लेना जरूरी। 17 सितंबर 1959 विश्वरूप सन्यास दिवस, जब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास लिया था, प्रभुपाद जी को बुलाया गया। राधा विनोद बिहारी के सामने एक यज्ञ कुंड बनाया था। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, केशव प्रज्ञान जो महाराज थे वो बैठे, उन्होंने दो सीट लगाई थी, एक सनातन प्रभु की और एक अभय चरणारविंद प्रभु की, अभय चरणारविंद दास यानी प्रभुपाद, और दूसरे सनातन प्रभु जो कि 90 वर्ष के थे। दोनों की सीट लगाई गई और दोनों को संन्यास देने के लिए बुलाया गया, और केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज ने दोनों को संन्यास का डंडा, जिसमें चार भाग होते हैं, संन्यास दंड में चार भाग होते हैं, तीन ऊपर और एक बाहर, है ना, मन बुद्धि अहंकार, तीन भाग में होता है डंडा, दिखेगा एक है लेकिन अंदर तीन होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, या फिर कह सकते हैं BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW होती है सन्यासी की, और चौथा होता है जीवात्मा, जो जीवात्मा शरणागत है। वो डंडा दिया और दोनों को सैफ्रन कपड़े दिए और संन्यास का मंत्र दिया, और केशव प्रज्ञान गोस्वामी ने वहाँ पर प्रवचन दिया। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि एक ऐसे ही फॉर्मल भी नहीं कह सकते, एक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, कॉमन ऐसे मिलना जुलना हो गया था, नॉर्मल सा ही, कोई इनफॉर्मल इनविटेशन था, किसी को बुलाया नहीं गया था। तो वहाँ पर केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज ने लेक्चर देना शुरू किया, तो सनातन प्रभु जो थे उनका नाम पड़ा हिज डिवाइन ग्रेस मुनि महाराज हरिओ। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी जो कि श्रील प्रभुपाद के बड़े अच्छे मित्र थे, वो कीर्तन कर रहे थे पीछे हल्के स्वर में, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अकिंचन बाबा जी राधा दामोदर के पास रहा करते थे, वो कर रहे थे कीर्तन, और उन्होंने बोला अभय चरणारविंद दास आज से तुम्हारा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। शिल प्रभुपाद उनको नाम स्वामी था, बाद में शिल प्रभुपाद उनके भक्तों ने उनको नाम दिया, उनका नाम था हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, AC भक्ति वेदांत स्वामी, इसलिए अंग्रेज भक्त उनको स्वामी जी कहते, बाद में उनके भक्तों ने उनको नाम दिया प्रभुपाद। सो डिवोटीज कभी कभी अपने गुरु को अपनी तरफ से एक नाम गिफ्ट करते कि गुरु जी आज से हम आपको ऐसे बुलाएंगे, प्रभु जी गुरु जी, प्रभुपाद उपाधि है, वो कोई बोल सकता, जैसे हमारे जो कुछ भक्त हैं वो मेरे को प्रेम में, हमारे जो पुराने भक्त हैं मुझे बोलते और स्वामी कैसे हो, उन लगता है ये बड़ा वैरागी टाइप का लेक्चर देता है, इसको स्वामी बोलना चाहिए, तो ऐसे भक्तों के भाव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दीक्षित नाम है प्रभुपाद, और किसी को भी दिया जा सकता है, वो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत उनको भी प्रभुपाद कहते थे, है ना, तो यहाँ पर उनको नाम मिला। तो प्रभुपाद जी से कहा कि आप थोड़ा सा लेक्चर दीजिए, प्रभुपाद जी लेक्चर देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, मैं लेक्चर दूँ किसको दूँ, चार पांच तो लोग हैं और सभी भक्त हैं, दो सन्यासी तीन सन्यासी हैं दो ब्रह्मचारी हैं, किसको लेक्चर दूँ। फिर भी उन्होंने कहा लेक्चर दो, तो सारे लोग कौन थे बंगला, तो बड़ी मुश्किल से वो हिंदी तोड़ फोड़ के बोलते थे। प्रभुपाद जी ने कहा ना हिंदी में लेक्चर ना बंगला में लेक्चर, इंग्लिश में लेक्चर, तो सारे लोग देख रहे थे क्या बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी बंगाली एक्सेंट में इंग्लिश में लेक्चर दे रहे थे, सौ दे रहे सौ प्रभुपाद अपने स्टाइल में लेक्चर दे रहे थे। सो क्यों दे रहे थे, प्रभुपाद ने संन्यास का डंडा हाथ में आते ही प्लान करना शुरू कर दिया था, थिंकिंग आई एम सिटिंग इन अमेरिका एंड गिविंग लेक्चर टू द अमेरिकन डिसाइपल्स।